हिंदी लैंग्वेज क्लास थर्ड पार्ट चार वाक्य विचार। वाक्य विचार को समझने से पहले हम पार्ट तीन शब्द विचार को संक्षेप में दोहराएंगे। शब्द विचार, शब्द दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, फल, लड़का, सूरज आदि। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग, लड़का का लड़की में चेंज हो जाएगा, वचन लड़का का लड़के में बदल जाएगा और कारक में लड़के को में बदल जाएगा। इस तरीके से परिवर्तन होता है। विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। जैसे लिंग में लड़का का लड़की हो जाएगा, वचन में लड़का का लड़के हो जाएगा और कारक में लड़का का लड़के को हो जाएगा। इस तरीके से बदलाव जिसमें आता है उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पुस्तक, मेज आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, वाय निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार ओटा, वाना आदि। वाक्य विचार, वाक्य विचार को और अच्छे से समझने के लिए हम बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो को देखेंगे। वाक्य विचार, बच्चों इससे पहले हमने शब्द के बारे में पढ़ा था और जाना था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सिपाही, चोर, ने और पकड़ा आदि। आज हम वाक्य पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों इतना तो आप जानते ही हैं कि वाक्य में शब्द होते हैं। आइए तो फिर इन शब्दों को इकट्ठा लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। सिपाही पकड़ा ने चोर। बच्चों क्या इन शब्दों से वाक्य बना? नहीं, ये वाक्य नहीं बना, ये तो केवल शब्दों का एक समूह है। ये शब्द इकट्ठे जरूर लिखे हैं
किंतु इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना ही कोई भाव प्रकट होता है। आइए अब इन शब्दों को नीचे व्यवस्थित करके लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब ये शब्द समूह एक व्यवस्थित सार्थक शब्द समूह है, क्योंकि इसमें पहला कर्ता यानी सिपाही, फिर कर्म यानी चोर, तथा अंत में क्रिया यानी पकड़ा आई और इससे सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये एक वाक्य है। दादी माँ कहानी सुनाती हैं। बच्चों, ये शब्द समूह एक वाक्य है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कर्ता दादी माँ, फिर कर्म कहानी और अंत में क्रिया सुनाती हैं आई। अतः ये एक व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह है और इससे दादी माँ द्वारा कहानी सुनाने का भाव प्रकट हो रहा है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसा कि हमने जाना वीडियो के माध्यम से कि वाक्य शब्दों के मेल से बनता है, सही शब्दों के मेल से बनता है। जैसे आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ो। राम पत्र लिख रहा है, राधा गीत गा रही है, मोर नाच रहा है। ये सभी वाक्य विभिन्न शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, तो राम पत्र लिख रहा है, ये पांच शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना है। तो हमें क्या क्या ध्यान देना है कि वाक्य में क्या क्या होना चाहिए? ऊपर लिखे सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया है। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। जैसे राम पत्र लिख रहा है, गीता गा रही है, मोर नाच रहा है। सभी वाक्य अपने पूरे अर्थ देते हैं। सभी वाक्य से हमें स्पष्ट होता है कि वाक्य हमसे क्या कह रहा है। और प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया गया है। अतः किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है। वाक्य की परिभाषा, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राधा पत्र लिख रही है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उपदेश विधेय। बच्चों, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ममता गा रही है। यहां कुत्ता और ममता कर्ता हैं, अतः ये उद्देश्य हैं। बच्चों, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन वाक्यों में भौंक रहा है और गा रही है विधेय हैं, क्योंकि ये कुत्ता और ममता के बारे में कुछ कह रहे हैं। उपदेश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उपदेश्य कहते हैं। जैसे रजत आम खाता है, सुधा पुस्तक पढ़ती है। तो हम उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे रजत के बारे में बोला जा रहा है कि रजत आम खाता है, तो हमारा उपदेश क्या हुआ, किसके बारे में बात किया जा रहा है, रजत के बारे में, तो उपदेश हुआ हमारा रजत। उसी प्रकार सुधा के बारे में बात किया जा रहा है, सुधा पुस्तक पढ़ती है, तो सुधा के बारे में बताया जा रहा है, तो सुधा क्या हुई, उपदेश। विधेय, वाक्य में उपदेश के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे
किशन स्कूल जाता है, मीरा नाचती है। तो यहाँ हमारा उपदेश है किशन और मीरा, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? किशन, किशन के बारे में कहा जा रहा है कि किशन स्कूल जाता है, और मीरा के बारे में क्या कहा जा रहा है? मीरा नाचती है। क्या कहा जा रहा है? स्कूल जाता है और नाचती है। तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। जो कुछ कहा जाता उपदेश के बारे में वो विधेय होता है। थैंक यू।